सर, कोई गेम्स का पीरियड नहीं, कुछ नहीं, है ना। थोड़ा तो लगता होगा, मैं तो ये तो मानता हूँ, लगता तो होगा। स्कूल में अलग मजा है अपना पढ़ने का, घर पे फिर बोरिंग हो जाते हो घर की शक्ल देख देख। अब लगता है कि मेरा था कुछ सालों तक बिल्कुल लीव नहीं मांगोगे कि भैया लीव दे दो, बच्चे बड़े वैसे हो गए। स्कूल में टेस्ट वगैरह कब है बेटा, यूनिट टेस्ट वगैरह कुछ है कि नहीं है, कब है, और है तो है कब है? सर हमारे में टेस्ट नहीं होते सर, क्या नहीं होते टेस्ट? टेस्ट नहीं होते सर, नहीं होते? अच्छा नो सर, अच्छा कौन सा स्कूल है? डॉन बॉस्को? यस सर, सर हमारे स्कूल का भी पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं जब भी टेस्ट हो जाए। मैं तो लूंगा भाई टेस्ट, कहीं हो ना हो मैं तो लूंगा। जी कौन है? सलोनी गोस्वामी। सलोनी गोस्वामी आप नए हैं बेटा? सलोनी गोस्वामी आप ही से बात कर रहे हैं। तो ये तीन बच्चे आए हैं, अभी एक दो और आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं फिर अपना। आज आंधी चल रही है, बार झांसी में ही है ना आप लोग? झांसी के ही है ना सब? यस आंधी आंधी चल रही है आज बार ना, यस सर, हाँ लग रहा थोड़ा बहुत अच्छा ठंडा माहौल है आज। इस टाइम आप लोग सब लॉकडाउन नहीं था तो बढ़िया घूम के आते थे, पहले शाम का प्लान बनता था। अब तो क्या है जी, वो हो गया लॉकडाउन, जब से मन ही नहीं करता कहीं बाहर निकल जाओ तो डर लगता, पुलिस वाला डंडा लेके नहीं खड़ा हो, है ना। बड़ा ही अजीब माहौल हो गया। सलोनी गोस्वामी बेटा, सलोनी आप किस स्कूल से हैं? लगता है उसको मेरी आवाज नहीं आ रही। चैट ऑप्शन है बेटा, चैट भी ऑप्शन है अपने पास, आप चैट करके ही बता सकते हैं, चैट एक ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 रह गया था अपना, क्वेश्चन नंबर 11 यही करना था अपन को। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं भाई। बच्ची ने चैट किया है, बच्ची ने क्या बोला? सर फ्रॉम, अच्छा वो चाइल्ड इज स्कूल। ओके क्या नाम है इस लड़के का? संस्कार। संस्कार बेटा आप किस स्कूल से बताया था आपने? कैथेड्रल सर मॉडर्न पब्लिक स्कूल। मॉडर्न पब्लिक स्कूल। ओके आप शायद सैटरडे को नहीं आए थे ना संस्कार? यस सर, नहीं आए थे ना। चलिए कोई बात बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए अपन जीएसटी के, ठीक है ना। तो अपन आराम से देखेंगे, बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से बैठिए और थोड़ा दिमाग को रिलैक्स ले लीजिए। लेकिन भाई रिलैक्स तो लेना, लेकिन थोड़ा पानी यानी पी के क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये जरूर पढ़ना। ये ऐसा क्वेश्चन लग रहा होगा कि सर ये जीएसटी का क्वेश्चन तो है नहीं, ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन जैसे कोई बुना हो, सिंपल कोई क्वेश्चन हो, कहीं पर एक परसेंटेज का क्वेश्चन हो कोई, ऐसा लग रहा है देखने में। देखो जरा ध्यान से पढ़िए, जरा क्वेश्चन पढ़िए बेटा, सब क्या कह रहा है क्वेश्चन में। शायद कुछ बच्चे ने मेरे को करके ही बताया था, रुद्र था कि कौन था, जग विकास था, विवेक था, पता नहीं क्वेश्चन में करके भी दिखाया था क्वेश्चन आपने, से मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसने करके दिखाया। चलिए अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? एक ट्रेडर मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ₹15,680 इंक्लूसिव जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस। बेटा क्या है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करेंगे अपन। ऊपर देखिए जरा क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर ट्रेडर मार्केट प्राइस ₹15,680, जब हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है ₹15,680, ठीक है बेटा ये मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले तो हम ध्यान से देख लेंगे कि भैया एक चीज ये हमारे पास दी हुई है, इसमें इंक्लूसिव है सब कुछ है, क्या है 12% अपना जीएसटी इसमें लगा हुआ है, ठीक है 12% जीएसटी भी लग के है ये प्राइस, ठीक है ना, 12% जीएसटी भी इंक्लूडिंग है इसमें। ओके गगन, अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर आस्क द ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर सच एक्सटेंड दैट इट रिड्यूस्ड प्राइस प्लस जीएसटी ऑन इट्स इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर
फाइंड द रिक्वायर्ड डिडक्शन. समझ में नहीं आया, निकल गया सर, पैसे बाउंस कर गया, कोई बात नहीं. देखिए भैया बात करते हैं, एक ट्रेडर है जो कि रेफ्रिजरेटर का एक मार्केट प्राइस है 50,680, इसमें 12% इंक्लूडिंग जीएसटी है. ठीक है, ये क्या है, मार्केट प्राइस है जिसमें इंक्लूडिंग जीएसटी भी है 12%. यहां तक छोड़ दो क्वेश्चन को, हटाओ, यहां तक देखना ही नहीं है. गगन जो कि एक कस्टमर, फॉर दिस रेफ्रिजरेटर आस्क द ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर सच एक्सटेंट दैट इट्स रिड्यूस्ड प्राइस प्लस जीएसटी ऑन इट्स इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. क्या कह रहा है वो, कि भैया उससे ये कह रहा है, कौन, गगन कह रहा है, किससे, गगन किससे कह रहा है, कौन बताएगा मेरे को, गगन किससे कह रहा है यहां पर बताइए भाई. गगन ट्रेडर से कह रहा है, गगन एक कस्टमर की तरह ट्रेडर से कह रहा है कि भाई सुनिए ट्रेडर साहब, आप मेरी बात सुनिए जरा, आप एक काम करिए कि जो ये क्या है बताइए, मुझे जितने में आपसे खरीदना है मैं तभी खरीदूंगा, क्वेश्चन मत ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, मैं तभी खरीदूंगा जब आप क्या करोगे, जब आप क्या करोगे, इतना प्राइस को कम कर देना, इतना प्राइस को कम कर देना कि क्या हो जाए हमारा, कोई नहीं बता रहा मेरे को, कोई बोल ही रहा, कोई मेरे को फीडबैक ही नहीं दे रहा. बेटा समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या कहने जा रहा हूँ, आगे की लैंग्वेज समझ में आ रही है मैं क्या कहने जा रहा हूँ. देखो मार्केट प्राइस तो है 15,680 रुपीज, लेकिन उसमें जीएसटी इंक्लूडिंग है. गगन बोलता है, गगन ये कहता है, गगन एक कस्टमर है, ये कहता है ट्रेडर से कि साहब आप एक काम करिए, मार्केट प्राइस को इतना कम कर दीजिए, इतना कम कर दीजिए, ठीक है, कि क्या हो जाए कि उसमें जीएसटी भी लग जाए, 12% जीएसटी भी लग जाए, ठीक है, तब भी मेरा प्राइस किसके बराबर रहे बताइए. यार तुम लोग बताते नहीं हो यार, मैं ही अकेला बोलता रहता हूँ, मतलब तुम लोग को कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बताना कि मैं क्या प्राइस के बराबर, किस प्राइस के बराबर हो जाए, मार्क प्राइस के बराबर, मार्क प्राइस के बराबर. यार पहले तो मेरे को आप लोग खुद पढ़ के बताओ पहले तो क्वेश्चन, एक दिन कोई भी बताइए आप में से, जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, भूख लगनी चाहिए क्वेश्चन की. बताइए आप लोग में से कोई एक जन बताइए, बोलिए. हाँ विवेक आप बताएंगे, विवेक आप बताइए बेटा, आप बताइए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन फंसा देंगे आप लोग का एग्जाम. बताइए विवेक बताएंगे, विवेक बेटा बताइए जरा, विवेक बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ. हाँ बेटा बताइए जरा, सर समझ तो रहे सर, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा. अच्छा यस सर. सलोनी गोस्वामी आपको आया समझ में, आप तो बोल ही नहीं पाएंगे, आपको सीधा चैट से बात करना पड़ेगी. संस्कार बेटा आपको आया, संस्कार सर थोड़ा थोड़ा. रुद्र नो सर अभी नहीं आया मेरे को, क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, नो सर मतलब क्वेश्चन खुद से पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, नो सर. चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने पास बहुत सारे तरीके हैं समझाने के, अपन ध्यान से देखेंगे जरा. यहाँ पर देखना ये दो सर्किल है, यहाँ ध्यान देना दो सर्किल पर, ये वो है इलिप्स है, इलिप्स पे ध्यान देना, पूरा ध्यान देना. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान देना जरा, जे ट्रेडर है, ठीक है, जी अपना कौन है, कस्टमर है जो कि गगन, ठीक है. ट्रेडर ने, जो ट्रेडर के पास रेफ्रिजरेटर है उसका मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस कितना है, कितना है, कितना है बेटा, 15,680 रुपीज, इतना ही है. लेकिन ये तब है, कब, जब इसमें, इसके अंदर क्या है, इंक्लूडिंग क्या है, इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड है, जीएसटी भी इसी के अंदर लग रहा है, जीएसटी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, कितना है जीएसटी, 12%, मतलब जीएसटी भी इसके अंदर है तब ये प्राइस इतना है. अब जो प्राइस होगा मार्केट प्राइस जिसमें जीएसटी नहीं लगा होगा, जीएसटी फ्री ऑफ जीएसटी होगा, मेरा समझने की कोशिश करो, मतलब जिसमें जीएसटी नहीं लगा, वो मान लो लेट वो प्राइस है जिसमें जीएसटी नहीं लगा, वो हमारा एक्स है, ठीक है. अब गगन भाई ये बोलते हैं ट्रेडर से कि आप एक काम करिए, मेरे को रेफ्रिजरेटर आप उस भाव में दीजिए, उस प्राइस में दीजिए, किस प्राइस में दीजिए, कि वो प्राइस में दीजिए, कि किस प्राइस में दीजिए, इस प्राइस में दीजिए कि आप जीएसटी भी हटा के हमारे पास जो प्राइस बचे उस प्राइस में मेरे को
रेफ्रिजरेटर दीजिए, तब मैं आपसे रेफ्रिजरेटर खरीदूंगा, ये बोलना चाह रहा है कभी। अब क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया फिर से समझ, yes, sir. नहीं आया तो फिर समझ, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी नहीं आया ना समझ, फिर समझ लेते हैं भैया, नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा क्या कर सकते, एक बार और देख लेते हैं। देखिए 15,680 रुपीस, ठीक है, ये वो प्राइस है कि जिसमें क्या है जीएसटी इंक्लूडिंग है, जो 12% जीएसटी है वो इसमें लगकर ये प्राइस बना है, मतलब कुछ प्राइस हुआ होगा एक्स, उसमें हमारा 12% जीएसटी भी इंक्लूड है, 12% 12% ऑफ एक्स भी इंक्लूड है, तभी तो हमारा जी आया होगा 12,680 रुपीस। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया, जी समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया बताइए, इतना इतना समझ में आया कि कोई प्राइस रहा, कोई प्राइस उसका एक्स रहा होगा फ्रिज का रेफ्रिजरेटर का, जिसमें 12% उसने जीएसटी भी लगा के उस प्राइस का एडिशन करके इतना रखा है प्राइस को, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन है कि इतना है दिया हुआ है, जिसमें 12% जीएसटी भी है इसके अंदर, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब गगन, गगन किस प्राइस से मांग रहा है उससे, गगन कह रहा है नहीं भैया हमें तो 12% जीएसटी से मतलब नहीं है आपके, आपको हमें इसी प्राइस में दीजिए एक्स प्राइस, इस प्राइस में दीजिए, इस प्राइस में दीजिए आप रेफ्रिजरेटर, यही बोल रहा है वो, बताइए सर, ठीक है। तो देखिए अब जरा अपन क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं बेटा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन गलत करे आओगे पेपर में, क्वेश्चन गलत करे आओगे ये पेपर में, ये क्वेश्चन बहुत कठिन है और बहुत कठिन, यहाँ का एक्सरसाइज का सबसे कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हम मानते हैं कि लेट, क्या मानते हैं, लेट दी मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये कह रहा था मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इंक्लूसिव जीएसटी है, मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इंक्लूसिव जीएसटी है, मतलब जीएसटी लग के ये प्राइस है, लेकिन मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर वो कुछ और ही है, मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, बेटा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लो, आगे कहोगे कहानी स्टार्ट हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आया तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कुछ होगा जिसमें जीएसटी लग के ये प्राइस बना होगा, ये प्राइस बना होगा, ये प्राइस कौन सा वाला प्राइस, ये वाला प्राइस कब बना होगा, ये प्राइस जब बना होगा जब कि उसमें मार्क प्राइस भी होगा और जीएसटी 12% ऑफ एक्स भी होगा, मतलब 12% जीएसटी लग के भी इसमें इंक्लूड होगा जब ये प्राइस बना होगा, ये दोनों को मिला, समझ में आ रही, हमने मान लिया वो मार्क प्राइस, वो मार्क प्राइस रेफ्रिजरेटर का जिसमें जीएसटी नहीं लगा हुआ है वो हमारा एक्स है, याद है, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन का मतलब, समझ में आ गया बेटा, ठीक है, वेरी गुड, याद है, समझ में आ गया। अब बिल्कुल दिमाग खोल लीजिए और दिमाग रिलैक्स होकर बैठ जाइए, क्योंकि अपन पढ़ने वाले हैं बैंकिंग, इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम बैंकिंग पढ़ने वाले हैं, और जिस बच्चे का छूटा हुआ है पहले का मैं उसकी एक्स्ट्रा क्लास दूंगा संडे वगैरह को डिसाइड कर दूंगा, तो वो पीछे का जीएसटी जो क्वेश्चन छूटे हुए अपन उसको कवर करेंगे, दो संडे एक्स्ट्रा क्लास चलेगी डेढ़ डेढ़ घंटे की, उसमें 3 घंटे में पूरा जीएसटी कवर कर लेंगे पीछे का जिसका भी छूटा होगा। भैया कुछ चीज रह नहीं जानी चाहिए, ठीक है, ये टीचर की क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बच्चा भले ही लेट आया आप लोग और लेट ना करना कोई भी, ये तो भैया सिलेबस इतना आगे चला जाता है कि टीचर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर देता है, ठीक है, 4-5 चैप्टर आगे चले गए तो फिर एक चैप्टर बुला के करवाना पड़ेगा, आप भी लोग मना कर दोगे सर संडे को क्लास मत ले, तो प्लीज कृपया करके टाइम पर आइए, टाइम पर क्लास की, आज मुस्कान नहीं आई है, मुस्कान का छूट जाएगा, ये फोन करके जरा उनको बता दो प्रदीप सर को कि मुस्कान नहीं आई है, उस बच्ची का छूट जाएगा आज, और फिर बाद में दिक्कत होगी समझने में, ठीक है, चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को बेटा, क्वेश्चन मेरे को ये कह रहा है कि x प्लस 12% ऑफ x इज इक्वल टू
15,680। बोलो बेटा बताइए, मार्क प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू मार्क प्राइस विद इंक्लूडिंग जीएसटी। बेटा ये बात सही है कि नहीं है? बेटा यहां तक समझ में आ गया ना? आगे चलू मैं सर। तो एक्स प्लस में 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 15,680। Am I right or no? Okay? चले आगे। अब इसको सॉल्व कर भैया, इसको एड मेड करोगे तो जो हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से 112 हो जाना चाहिए। देखिए जरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। अरे यार एलसीएम लेंगे तो 100x हो जाएगा प्लस में 12x हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 15,680। क्यों भैया मैं सही बोल रहा हूँ ना? इसके बाद क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, 112x इज इक्वल टू 15,680 इनटू में 100 और नीचे 112। जब 112 कब आएगा, जब यहां से मैं हटा दूंगा। आगे समझ में आता सबको? इसको सॉल्व करके कौन बताएगा मेरे को? भैया सॉल्व करिए इसको, कोई तो बच्चा होगा जो सॉल्व कर रहा होगा ऐसा। मैं 14,000। वेरी गुड बेटा। रुपीज कितना? 14,000। तो ये वो प्राइस हुआ होगा, क्या प्राइस हुआ होगा जिस पर क्या होगा बताइए? जीएसटी 12% लगेगी। हाँ, जिस पर 12% जीएसटी लग के इतना बन गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये प्राइस हुआ होगा, एक्स की वैल्यू पता चल रही है हमें। अब गगन किस प्राइस में मांग रहा है रेफ्रिजरेटर, उसको बताओ, बताइए गगन किस प्राइस में रेफ्रिजरेटर मांग रहा है? सर 14,000। देखिए मैं बताता हूँ इसके आगे बताइए। देखिए बेटा इतना जो नोट कर लेना 14,000। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखना, ये नोट कर लिया सबने? भैया नोट कर लेना, मिटा दूंगा मैं, मिटा दूंगा। यस सर। कर लिया नोट? फर्स्ट स्टेप है, केस फर्स्ट सॉल्व हुआ जब। ठीक है, ये क्या है केस फर्स्ट, ध्यान से देखना, मैं मिटा दूंगा, मिटा दिया मैंने। एक्स क्या आया बेटा, एक्स क्या आया अपने पास? 14,000। ठीक है, अब देखना मैं कुछ लिखने वाला हूं, मेरे को बताना यहां पर। लेट क्या, लेट दी रिड्यूस्ड प्राइस, रिड्यूस्ड प्राइस मार्केट प्राइस, प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा, बी वाई मान लेते हैं। भैया जो प्राइस हम कम कर रहे हैं, जो प्राइस हम कम कर रहे हैं, रिड्यूस प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर कितना? लेट द रिड्यूस्ड मार्केट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, मार्क प्राइस में, ये मार्क प्राइस में जो हम कम करने वाले हैं वो बाय मान लेते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस में भी कम करने वाले हैं तो हम उसको बाय मान लेते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो फिर से। गगन अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर आस्क्ड द ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर सच एक्सटेंट दैट इट रिड्यूस प्राइस ऑन जीएसटी प्लस जीएसटी, मतलब रिड्यूस प्राइस, मतलब रिड्यूस प्राइस प्लस जीएसटी 12% ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, इतना हो जाए। देखो क्वेश्चन समझो, अब जरा देखो, जरा फिर से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत कठिन है, लैंग्वेज बहुत घुमाई हुई है, समझने की कोशिश करो। मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर टू सच एक्सटेंड दैट, जो मार्क प्राइस है रेफ्रिजरेटर को उसको इतना कम कर दो, एक्सटेंड का मतलब नीचे है, यहां पर कम करना है, उसको इतना कम कर दो दैट इट रिड्यूस द रिड्यूस प्राइस प्लस जीएसटी ऑन इट इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। बेटा समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस प्राइस, यहां से देखो मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस प्राइस ओके, प्लस प्लस जीएसटी ऑन इट इज इक्वल टू जीएसटी ऑन इट, इसी पर जीएसटी, इसी का जीएसटी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो गया हमारा, इतना है।
समझ में आ रही बेटा बात सबको, इसके बराबर हो जाए, उसको इतना कम कर दो भैया, उससे ऐसे बोल रहा है, इतना मेहनत लगा लेकिन समझ में किस किस को आया ये बताओ मेरे को। रुद्र बेटा आपको आ गया? यस सर। बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं? संस्कार? यस सर आ गया। सच सच में बिल्कुल सही आया समझ में? यस सर। मैं क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लूं तो करके दिखा दोगे? यस सर। हाँ विवेक बेटा आपको? यस सर। इसके बाद इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है मेरे को बताइए जरा। y प्लस में 12 अपॉन 100 इनटू y इज इक्वल टू 14,000, तो इसको ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? वही हो जाएगा 112, है ना? 112 अपॉन 1000 ए 100, तो 112y अपॉन में 100 इज इक्वल टू 14,000 ये आएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 14,000 इनटू में 100 अपॉन में 112। बेटा सॉल्व करो इसको जरा कितना आ रहा, सॉल्व करी कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना, हो सके तो कैलकुलेटर से सॉल्व बिल्कुल नहीं करना। कितना आ रहा आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं रखूंगा कुछ। ये सेकंड है, हाँ प्रदीप भाई मुस्कान नहीं आई आज, मुस्कान नहीं आई आज। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ठीक है उसका टेस्ट है आज, मुस्कान का वैसे नहीं आ पाई अच्छी। सर 1500 1500 और किसी ने भी बताया है 12,500। सलोनी गोस्वामी वेरी गुड सलोनी, बहुत अच्छे बेटा 12,500 ही आएगा सर। सलोनी क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? मेरे को चैट पे बता दो, आपको वॉइस कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो चैट पे, मैं समझ जाऊंगा। समझ में आ गया हो तो लिखा दीजिए। यस ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा। देखो बेटा वाई आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया? वो रिड्यूस प्राइस आ गया, कौन सा आ गया? वो रिड्यूस प्राइस आ गया जो हमें मार्केट प्राइस पर करना था, ठीक है? ये रिड्यूस प्राइस आ गया हमारे पास, मतलब इतने में बेच रहे हैं हम क्या रेफ्रिजरेटर किसको, गगन को, इतने में बेच रहा है। अब उसने हमसे क्या किया, रिक्वायर्ड रिडक्शन प्राइस बताओ, रिडक्शन कितना किया, तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? 14,000 माइनस 12,500। वेरी गुड वेरी गुड, 14,000 माइनस 12,000, तो कैसे करेंगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड रिडक्शन इन मार्क प्राइस, मैं पतला वाला पेन ले लूं थोड़ा लिख ली पाऊंगा नहीं तो, रिक्वायर्ड रिडक्शन इन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 14,000 माइनस का 12,500, माइनस किया कितना आया बेटा बताओ, कौन बताएगा? रुपीस 1500 आएगा ना, मैंने गलती 1000 कर दिया, मिट क्यों नहीं रहा भैया, अब मिट जाएगा। चलो यहां तक बेटा आप लोग को समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करने जा रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना, अपनी कॉपी या पीछे वाला पेज खोल लेना जिसपे आपने क्वेश्चन लिखा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों इंक्लूडिंग है, तो बेटा उसको सुनने की कोशिश करिए जरा सबके सब, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से ध्यान देंगे, बिल्कुल से क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे, ये क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप इसलिए बना लेंगे। देखो ट्रेडर है जो कि मार्क प्राइस रेफ्रिजरेटर इतना नहीं है 15,680, इसमें इंक्लूसिव जीएसटी है, ठीक है समझने की कोशिश करना, मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 15,680 इंक्लूसिव जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस, ये मार्क प्राइस है, ठीक है समझने की कोशिश करो भैया, यहां समझना मेरी बात को, 15,680 जिसमें इंक्लूडिंग जीएसटी है वो प्राइस है हमारे पास, ठीक है। गगन ने क्या कहा, गगन बहुत चतुर इंसान है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बंदा है, उसने क्या कहा कि भैया आपसे रेफ्रिजरेटर तो हम खरीद लेंगे ट्रेडर साहब, आपसे रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं, ठीक है। तो वो कहता है भाई कैसे लेंगे, किस तरीके से लेंगे, इंस्टॉलमेंट में लेंगे, कैसे लेंगे? वो कहता नहीं वो सब बात छोड़ो, आप तो सीधी सी बात करिए कि आप इस रेफ्रिजरेटर के प्राइस को इतना कम कर दो कितना कम कर दो
कितना कम कर दो बताओ, कौन बताएगा? फिर रुक गए सब यहीं पर, फिर रुक गए यहीं पर सब। उसको इतना कम कर दो, कितना कम कर दो बताओ, कौन बताएगा मेरे को? मार्केट प्राइस इतना कम कर दो के, इतना कम कर दीजिए कि उसका रिड्यूस प्राइस और जीएसटी जब हम प्लस करें तो वो मार्केट प्राइस के बराबर आए। समझ में आ रहा? इतना कम कर दो कि रिड्यूस प्राइस को और जीएसटी को हम जब ऐड करें, मिलाएं, तो हमारे पास मार्केट प्राइस के बराबर आ जाए, जो कि हमारा 14,000 वो ही मैंने किया। तो मेरा कितना आ गया रिड्यूस प्राइस, मैंने कितना किया, कितना कितने में बेच रहा हूं उसको? 12,500 इतने में बेच रहा हूं। तो रिडक्शन कितने का किया हमने उसमें? 1500 का। क्यों भैया? मार्केट प्राइस में 1500 का तो रिडक्शन किया उसने। ये नहीं बोला कि जीएसटी एसटी लगा हुआ है, इस प्राइस को करो 15,680 में करो। नहीं, उसने कही भैया पहले तो आप इसका मार्केट प्राइस बताओ। वो कह रहा भैया इतना है 14,000, ठीक है मार्केट प्राइस बता दिया आपने, अब इस प्राइस में इतना कम कर दो, इतना कम कर दो, इतना कम कर दो कि जो इक्वल हो जाए किसके, जो रिड्यूस प्राइस हो और जो जीएसटी भी लग जाए इसमें, जो रिड्यूस प्राइस भी हो और जीएसटी भी इसमें लग जाए, तो हमारे 14,000 के बराबर आना चाहिए। तो भैया मैंने बारह की हमने रिड्यूस प्राइस जो है आपको मैंने कितना करा, मैंने रिड्यूस प्राइस बाय मान लिया और 12% मैंने और इसमें रिड्यूस, मतलब उसी के अंदर 12% उसको मैंने 12% जीएसटी भी उसमें इंक्लूड किया, तो मेरा कितना आया 14,000 आया। जब मैंने रिक्वायर्ड रिडक्शन देखा तो मेरा कितना आया 1500 मेरा रिडक्शन आया। किसमें? 14,000 मतलब मैंने कितना किया, 1500 रुपये कम किया। समझ में आ गया बेटा सबको? आगे चले, समझ में आ गया बेटा सबको? आगे चलू मैं, पढ़े फिर बैंकिंग? यस सर। बैंकिंग देखते हैं, बैंकिंग क्या है। अच्छा बेटा बैंकिंग, किस किस के पापा आप में से सर्विसमैन है और किस किस के पापा आप में से बिजनेसमैन? आप लोग में से 4-5 बच्चे हैं, चार ही बच्चे हैं ना, छोटा सा ब्लू वेल्स का क्या हुआ कि एग्जाम है इस वजह से बच्चा नहीं आ पाया। तो आप में से किस किस के पापा है बताइए, गवर्नमेंट जॉब में किसके पापा है, प्राइवेट बिजनेस किसके पापा का है, आप लोग बताइए। कौन बताएगा भाई आप में से? रुद्र आप बताइए, आपके पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा बिजनेसमैन है। संस्कार बेटा आपके पापा? सर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। और विवेक आपके? सर रेलवे। रेलवे में। ओके सलोनी आपके? चैट करके बताइए सलोनी, मेरे को लिखी रही होगी वो कुछ, बताएगी बताएगी बताएगी, आएगा उसका। चलिए सलोनी बेटा आपसे पूछा, आप बताइए, आएगा उसका, भेज दिया उसने, क्या आया है? बिजनेसमैन। ओके चलिए, तो बेटा आप लोग के पापा बिजनेसमैन होंगे, सर्विसमैन होंगे, ठीक है मान लेते। तो पैसा तो आता होगा, मनी मनी पैसा, ये पैसा पैसा पैसा, मतलब ये मनी तो पैसा तो आता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। बिजनेसमैन हो चाहे सर्विसमैन हो, पैसा तो घर में आता ही होगा, है ना, तभी हमारा घर चल पाता है। तो बेटा हमारा घर चलता है पैसे से, और पैसा बेटा जरूरत के हिसाब से हम खर्च करते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी कि जरूरत होती है तो खर्च करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखते हैं, सेव करते हैं, क्या कुछ फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं अपने पास पैसा, कुछ उसमें से अपन क्या करते हैं? भैया मम्मी ने बोला कि एक काम करिए आप, इतना इस बार इतना पैसा मिला है तो इतना पैसा अपन जाके बैंक में जाके जमा करके आप, कभी बोला घर में किसी की बातें होती होंगी ऐसे, अभी तो अपन लोग जी रहे हैं लाइफ, ठीक है। तो आपने कही सर के इतना पैसा लग रहा है और इतना पैसा रुद्र की पढ़ाई में जा रहा है, इतना पैसा इसमें जा रहा है, और कुछ पैसा हम क्या करते हैं बैंक में डाल देते हैं। बैंक, तो बैंक क्या वो है कि मतलब भगवान है का बैंक कुछ है क्या, मतलब गॉड है कि
उसके पास पैसा दे देंगे तो उसको सेफ रहेगा। तो आपका पैसा बैंक सेफ रख रहा है, तो क्या बैंक को पास जाना कभी भी आप लोग? लग्जरी बैंक होता है, कभी कोई गया बैंक वगैरह? लग्जरी बैंक होगा बढ़िया, उसमें कांच वगैरह लगे होंगे, बिल्कुल फैसिलिटी होगी, ये गार्ड खड़ा होगा बंदूक लेके, ठीक है। बैंक में जाना कभी आप लोग? बिल्कुल बढ़िया, एसी वेसी चल रहा होगा। तो क्या बैंक आपके पैसे रखने के लिए बैठा है और आपको इंटरेस्ट भी देता है? मतलब बैंक का पास कोई काम नहीं है, मतलब कि वो सरकार के पास कुछ काम धंधा नहीं है, वो आपके लिए पैसा आपका सेव करने के लिए खोल दी उसने दुकान एक, कि जाइए उसमें जाके पैसा रख के आ जाइए। कुछ बैंक अपना नहीं सोचता होगा कि भाई गवर्नमेंट ने कोई डिसाइड किया, आरबीआई ये अपना एसबीआई है, अपना पंजाब नेशनल बैंक है, जो बैंक बने हुए हैं बड़े बड़े बैंक हैं, ये आपका पैसा ले लेते हैं, हाँ भैया आइए अकाउंट खुलवा लीजिए हमारे पास, ऐसे फिरते हैं आपके पास, सर आपका अकाउंट खुलवाना है, आपको खुलवाना है, मतलब आपका पैसा लेने के लिए बैठे हैं कि भाई आप मेरे को पैसा दे दीजिए, हम आपका पैसा अपने पास सेफली रख लेंगे, हम आपका अपने पास पैसा सेफली रख लेंगे। भैया आजकल दुनिया में तो इतना कोई अच्छा आदमी नहीं है, आप गए थोड़ा बाहर घर से, आपने कही सुनना भैया मैं बाहर जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा वैष्णो देवी सोचा है, इस बार गर्मियों में वैष्णो देवी घूम के आते हैं, तो हम वैष्णो देवी गए और हम वहां पर अपने घर का कुछ सामान वगैरह पड़ोसी के पास रख गए, कुछ इम्पोर्टेंट सामान था, कुछ चोरी वगैरह ना हो जाए, वैसे तो हम ताला आजकल तो नॉर्मल हो रहा है कि चोरी वगैरह ना हो जाए तो हम पड़ोसी के पास रख लेते हैं, सपोज करो हम कुछ रख गए उसके पास, उसको भी दिक्कत होने लगती है यार किसका सामान रख लिया, अब जी कब तक आएगा अपना सामान लेके जाए। लेकिन बैंक क्यों बैठा रहता है कि आप गोल्ड लेके आ जाओ मेरे पास, आप मेरे पास पैसा लेके आ जाओ मैं आपका पैसा सेफ रख लूंगा, ऐसा बैंक करता क्यों है मेरे को कौन बताएगा? कि बैंक रख रहा है उसके कोई काम धंधा नहीं है, बिल्कुल सेफ रख ले रहा है आपका पैसा, लेकिन कुछ आपसे मांग नहीं रहा बैंक उसके बदले, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, कौन बताएगा? रुद्र बताएगा मेरे को सबसे, रुद्र बेटा आप बताइए। नहीं पता। नहीं पता? संस्कार बेटा आप बताइए, विवेक आप बताइए, दोनों में से कोई बताइए। मतलब आजकल तो फ्री में कोई यार हमें हमें क्या नहीं पिलाता, घर का एक कप चाय नहीं पिलाता, और बैंक इतना अच्छा हो गया कि हमें पैसा रख रहा है, हमारा हमारा पैसा रख लेता है आराम से, और कुछ मांगता भी नहीं है हमसे, और इंटरेस्ट भी देता है कि भैया आप इतना पैसा रखोगे तो ब्याज देंगे हम आपको, कौन बताएगा? चलो नहीं आप बताएंगे, ऐसा क्यों कर रहा है बैंक, ऐसा क्यों करता है बैंक? गवर्नमेंट के पास कोई काम नहीं है आपका पैसा सेव करने के लिए, आपका पैसा सुरक्षित रखने के लिए, वो कुछ करता नहीं है बैंक, ऐसा क्यों कर रहा है? चलिए आपके पास किसी के पास इसका आंसर नहीं, मैं बताता हूं। देखिए बेटा, बैंक अपने पास आपका पैसा रख लेता है, आइए आइए आप अपना पैसा लेके आइए हमारे पास रख दीजिए, सेफ रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट भी देगा। बैंक क्या करता है, पैसा आपसे लेता है और उस पैसे की मार्केटिंग करता है, किसी को लोन दे देगा। आपने कभी सुना होगा कि बच्चा हमारा जिद कर रहा था कि इस बार पापा नई एक्टिवा उठाएं, इस बार अपन दिवाली पे, दिवाली आ रही पापा नई एक्टिवा उठानी है पापा, दिवाली आ रही नई टीवी उठानी है पापा, वो एलजी ने वो सैमसंग ने नया टीवी लॉन्च किया, बहुत मस्त टीवी है पापा, 52 इंचेस का टीवी आ रहा, बहुत मस्त टीवी है पापा, वो हमें ले देना है। घर में कह दिया पापा वो वाला डबल डोर फ्रिज चाहिए हमको पापा, इस बार अपन हम क्या करना पापा, इस बार दिवाली पे डबल डोर वाला फ्रिज देना पापा, बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्लासिक लगता है, घर में अच्छा लगता है पापा, इस बार पल्सर चाहिए पापा, अरे पापा पल्सर का जमाना चला गया अब तो बुलेट चाहिए। अब बच्चा जिद कर रहा है, पापा क्या करे, पापा क्या करे बेचारा, पापा क्या करता है? बेटा मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जो जमा था पैसा, थोड़ा बहुत पैसा था मेरे पास, मैं उससे क्या करता हूँ, 60,000 है बेटा, और बाकी का जो बुलेट आती है बेटा 2 लाख तक की आती है, तो मैं कुछ लोन ले लेता हूँ बैंक से पैसा। बच्चे ने जिद करी, लड़की ने जिद करी, पापा मेरे को इस बार मेरी सब सहेलियां एक्टिवा से स्कूल आती हैं, और पापा मेरे पास गाड़ी नहीं है और मेरे को बड़ी वैसा लगता है, मेरे को भी अकेले जाना है, मेरे को ट्यूशन जाने में दिक्कत होती है, मेरे को 3-3, 4-4 ट्यूशन जाने पड़ते हैं, पापा गाड़ी तो चाहिए। पापा कहते बेटा मेरे पास कुछ पैसे हैं और कुछ पैसे मैं लोन ले लेता हूँ। ऐसी बात चलती है। घर में क्या हुआ, कार लेनी है इस बार, प्लानिंग बनी कार की, पापा का बजट है 6 लाख रुपए कार लेने का, लेकिन बच्चों ने बहुत वो कर दी कि पापा होंडा सिटी चाहिए घर में, होंडा सिटी बहुत मस्त कार है। पापा नहीं, पापा एक ने बोली नहीं पापा सियाज चाहिए, सियाज मारुति की सियाज, तो उसका क्या है बेस बहुत ऊपर है, बेटर लगती है पापा चलने में, जब चलती है सियाज तो उसका जो एयर डायनेमिक सिस्टम है पापा बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि पापा क्या करते हैं बेचारा, पापा क्या करे, उनका बजट तो 6 लाख रुपए। पापा क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, बच्चों की भैया इच्छा है नहीं मार सकते, लोन ले लेते हैं, उनकी मजबूरी है,
कि उनके पास 6 लाख से ज्यादा पैसा नहीं है, वो कुछ पैसा लोन पे उठा लेते हैं और क्या करते हैं, कार ले लेते हैं। तो लोन जो हुआ मार्केट में, पैसा जो लोन हुआ है, सब जाके कोई भी जाता है लोन लेके आता है गवर्नमेंट उससे, बैंक से, तो वो लोन पैसा देते कहाँ है? आपके पापा को पैसा दिया कहाँ से बैंक ने? बैंक के पास ना श्रेणी के साईं बाबा है कि पैसा दे दिया, उनके पास भी पैसा कहीं ना कहीं से आता है। उसके पास से आता है जो आप पैसा बैंक को कहते हो कि हमारा पैसा रख लो आप, ठीक है? बैंक से आप क्या कहते हो कि हमारा पैसा आप रख लीजिए, तो बैंक क्या करता है, ठीक है हम आपका पैसा रख लेते हैं सर, और आपको हम इंटरेस्ट भी देंगे। देखिए बैंक कितना अच्छा काम करता है, पैसा रखने का इंटरेस्ट भी देता है। क्यों दे रहा है वो? क्यों श्रेणी के साईं बाबा बन गया बैंक? इसलिए बन गया है क्योंकि वो आपसे पैसा लेके मार्केट में दे रहा है। वो ऐसा नहीं है बैंक से देता है, बैंक देता भी है, उसको देता है जिसको जरूरत होती है। पैसा किसी के पास कम पड़ रहा है, किसी के इलाज में पैसा कम पड़ गया, किसी कुछ चीज में पैसा कम पड़ गया, तो बैंक क्या करता है, लोन दे देता है, जाके भैया लोन लेके आ। लोन वर्ड तो सुना होगा सबने, भैया यस सर नो सर बोला करो, क्लास में बिल्कुल ऐसे नहीं बैठ जाएगा और ऐसे गुप्पू बन के, है ना, मुंह से कुछ बोला करो, फीलिंग आती है पढ़ाने की, ठीक है? तो बैंक क्या करता है, नॉर्मली बैंक भैया लोन देता है, लोन वर्ड तो सुना होगा, लोन लोन लेने जा रहा है, पैसा नहीं है लोन लेके आ रहा है, है ना, ऐसे वर्ड सुने होंगे सबने। तो बेटा जो लोन देने का काम है ना बैंक का, मार्केट में बहुत बैंक के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज है। पिक्चर देखिए धूम 3, किस किसने देखी धूम 3? यस सर, सर हमने, सर वो बैंक बैंक वाला आ जाता है पिक्चर में, बैंक वाला, और वो उसके पापा जो जैकी शराब से बोलता है कि आप हमें पैसा आप टाइम पे चुका दीजिए जो आपने पैसा लिया है बैंक से, नहीं तो हम आपका चिप बंद करवा देंगे, सर्कस बोलता है। तो उसका लड़का लड़का जो होता है, क्या वो कहावत थी, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, और आगे पता नहीं भूल गया मैं, उम्मीदों के सूरज निकले हैं चारों ओर, ऐसा कुछ है, ऐसे ही कुछ डायलॉग है। तो वो बोल के और अपने पापा का हर चीज का बदला लेता है, बैंक से चोरी वगैरह करता है, मतलब ये ऐसा करना नहीं चाहिए, ये चीज गलत दिखाई पिक्चर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैंक से चोरी वगैरह करता है और फिर एंड में मर जाता है, सीन ऐसा पिक्चर का रहा। तो ये बैंक का काम होता है, बैंक को आप पैसा नहीं दोगे उसका टाइम पर तो बैंक आपकी कार उठा के ले जाएगा, ठीक है? बैंक को आपने पैसा नहीं दिया तो आपकी पल्सर गई, बैंक को पैसा नहीं दिया तो आपकी गई बुलेट, गई बुलेट ले गया बैंक, एक्टिवा चली गई, बैंक ले जाएगा उठा के, बैंक को हक है इतना, क्योंकि बैंक आपके आप अपने पास आपकी सिक्योरिटी भी जमा कराता है कि भाई आप पैसा तो ले रहे हो, सिक्योरिटी भी दीजिए, कुछ दे के जाइए। तो घर के जो कागज होते हैं, घर की जो रजिस्ट्री वगैरह होती है, कुछ गोल्ड होता है, हम उसके पास गिरवी रख के आते हैं कुछ टाइम के लिए कि जब तक हम पैसा आपका नहीं चुका देंगे तब तक आप हमारा आप सिक्योरिटी के तौर पर ये रखिए, ठीक है? तो बैंक बेटा ऐसे नहीं देता है, सिडनी के साईं बाबा नहीं है बैंक। बैंक क्या करता है, पैसा देता है तो वो ही पैसा देता है जो आप डिपॉजिट करके आ रहे हैं, वो ही पैसा देता है कि आइए आइए अपना पैसा लेके आइए हमारे पास रख दीजिए हम सेफ रखेंगे। क्यों? वही पैसा वो मार्केट में लेके जा रहा है, ठीक है? वही पैसा वो दूसरों को देख के क्या करता है, लोन पे पैसा तो दे देता है। अब देखना, अब मेरे को एक चीज बताओ, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लेंगे, 10,000 रुपए आपने बैंक को दिए, 10,000 का आपको बैंक ने दिया कितना, 10,000 रुपए आपने जमा किए बैंक को एक महीने के लिए, मान लीजिए 10,000 का बैंक ने आपको 6% इंटरेस्ट दिया, 6% ऑफ 10,000 कितना होगा, निकालिए जरा, कौन निकाल के देगा मेरे को, जल्दी निकाला करो, फटाफट फटाफट निकालिए, 6% कितना होगा 10,000 का? भैया जी मैथ की क्लास है, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है, 600 रुपीज दिया आपको उसने बैंक, 10,000 रुपीज आप बैंक के पास रख के आए, आपको 600 रुपीज उसने पर मंथ दे रहा है बैंक, लेकिन ये तो आपका पैसा है, ठीक? अब आप हम मैं गया बैंक के पास, मैंने क्या किया, बैंक से ले लिया कितना, 10,000 रुपीज बैंक से मैंने लिया, सपोज करो ये पैसा मैंने बैंक से लिया, तो बैंक ने मेरे से कितना इंटरेस्ट लिया, 12%, कितना लिया, 12%, बैंक मेरे से कितना रुपए ले रहा है ज्यादा, बैंक मेरे से कितना रुपए ले रहा है ज्यादा बताइए, 1200 होगा सर, नहीं होगा निकाल के देखिए जरा, यस सर, यस सर, 1200 होगा, यानी कि इस 1200 में से 600 तो उसने आपको दे दिए,
600 उसने अपने पास रख लिए बैंक में। पैसा किसका था? आपका था। दिया किसने बैंक को? आपने दिया। बैंक ने क्या किया? आपको एक लॉलीपॉप दे दी 600 रुपीस की, तो पकड़ो खाते रहो। उसने कितना कमा लिया उस पर? उतना ही पैसा और कमा लिया उसने बैंक। यही काम करता है बैंक। समझ में आ रही बात मेरी? आई समझ में सबको? हाँ, यही काम है बैंक का। आपको सिर्फ आपका पैसा ले लेना और बस पैसा लेकर आपको इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट का लॉलीपॉप दे देना। ये पकड़िए लॉलीपॉप है, इंटरेस्ट का पकड़िए इसको, ठीक है। लेकिन बैंक क्या करता है? अपना भी निकाल लेता है। हाँ भाई, बैंक के बारे में सबको समझ में आ गया कि बैंक करता क्या है? समझ में आया? थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो? थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो बैंक के बारे में? यस सर। हाँ, बैंक की नॉलेज हो गई। जो आपके मम्मी, जो आपके पापा जाते हैं, जाइए थोड़ा पैसा जमा कर आइए, इतना वो पैसा जमा कर रहे हैं, आपका पैसा सेफ है मानते हैं। लेकिन बैंक क्या कर रहा है उसमें? बैंक क्या कर रहा है? अपना भी रखता है। जो पैसा आपका ले रहा है ना, उसी से बैंक कमा रहा है पैसा, इसलिए बैंक खुले हुए हैं। आप जब भी जाएंगे ना, तो इतनी नॉलेज तो आपको होगी बैंक के बारे में कि जब भी जाओ बैंक, बैंक को इस निगाह से देखना। किस निगाह से देखोगे बैंक को? ऐसे देखा करो बैंक को, ऐसे। हाँ जी सर, हमारा ही पैसा खा रहा है ये वही लोग है ना जो हमारा पैसा खा रहे हैं। बैंक को इस निगाह से देखा करो। बैंक कुछ तुम्हारी पर एहसान नहीं कर रहा, सिर्फ बैंक क्या कर रहा, सरकार अपना प्रॉफिट निकालती है, ठीक है, आप ही के पैसों में से। ये सरकार ने एक नया नीति लागू किया है कि भैया मैं आप ही के गुड़ से लड्डू बनाऊंगा, ठीक है ना? समझ में तो आया होगा बेटा इस बात। तो ये होता है बेटा बैंक का काम। समझ में तो आ गया होगा। चलो, संस्कार आता है, टाइम पास करके चला जाता है, फिर संस्कार लौट के नहीं आता। मेरे से जी बच्चे पढ़ते हैं सही से, रुद्र है, विवेक है, अच्छी तरह से पढ़ते हैं बेटा। अगर कोई भी अगर ये टेंथ को मजाक समझ रहा है, मैं आपको सीरियसली बता दूं, मैं बच्चों को रोता देखता हूं एग्जाम पेपर में, ठीक है, आंसू निकलते हैं बच्चों की आंख से, ठीक है। क्या उन पे प्रेशर रहता है? उन पे प्रेशर ये रहता है कि परसेंटेज का डर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी क्लास को मजाक नहीं समझना, क्लास बहुत भयानक होती है, ठीक है ना, बहुत कुछ दे जाती है, और नहीं पढ़ोगे टाइम पे तो बहुत कुछ ले भी जाती है। तो ठीक है, मैंने बैंक के बारे में आपको बता दिया, इंटरेस्ट वगैरह होते हैं। चलिए आगे से लिखिए सब, नोट करिए, नोट डाउन करेंगे हम यहाँ से अपन कुछ चीजें बैंक के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट होते हैं। सबसे पहला होता है अपना सेविंग बैंक अकाउंट। सेकंड नंबर पे अपना आता है करेंट अकाउंट। थर्ड नंबर पे आपका आता है फिक्स डिपॉजिट। फोर्थ नंबर पे आपका आता है रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग और क्यूमुलेटिव भी बोलते हैं। कभी क्यूमुलेटिव आ गया क्वेश्चन में तो घबराना नहीं, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट।
नोट कर लीजिए बेटा सर ध्यान से, और नोट कर ले तो मेरे को बोल देना सर नोट कर लिया सर, कर लिया नोट सबने कर लिया बेटा, रुद्र बेटा, सलोनी बेटा, विवेक इन्होंने नोट कर लिया सर, सर कर लीजिए कर लीजिए नोट कर लीजिए। आज के बाद ध्यान रखना बैंक को कोई वो नहीं है, बैंक के पास जा रहा है तो बैंक बहुत अच्छा है, बैंक अच्छा नहीं है। अभी यार पैसा नहीं चुकाओ ना तो वेरी गुड सलोनी, अगर पैसा ना चुकाओ ना तो कोई बैंक तुम्हारे घर पे आ जाएगा, कहेगा लो अब ये पैसा ले आओ मां, ठीक है वो अपना पैसा तो रखे आते उसके पास। यहाँ तो समझ में सबको आ गया होगा। चलो अपन चलते हैं सेविंग बैंक अकाउंट पे, नोट हो गया सबका? यस सर। सबका हो गया बेटा, मैं मिटा रहा हूँ अब, ठीक है ना। चलो अब अपन पढ़ते हैं, फर्स्ट है अपना सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट ये किस तरीके का अकाउंट है, इसमें लिखिए सब लिखिए, मैं बोल रहा हूँ लिखते जाना सबके साथ, और इसको आवाज नहीं आ रही तो बता देना मेरे को। सेविंग बैंक अकाउंट लिखिए क्या होता है, बोलूं? इट इज द बैंक अकाउंट, इट इज अ बैंक अकाउंट विच कैन बी ओपेंड बाय एनी पर्सन, विच कैन बी ओपेंड बाय एनी पर्सन with a small amount, with a small amount opened by any person with a small amount where the minimum balance vary from bank to bank and place to place. क्या लिखेंगे, where the minimum balance vary from, V-A-R-Y, vary from bank to bank and place to place. In this account, bank pay interest on the amount deposited by the person. लिख लिया सबने? लिख लिया? हो गया? सर। हाँ बेटा। After where? After कहाँ तक बेटा? फिर से बोलना? फिर से बोलना बेटा क्या बोल रहे? With a small amount of where के बाद, where के बाद, where the minimum balance worry from, worry worry, where the, ये लिख लीजिए, where the minimum balance worry from, spelling गलत है, balance worry from, worry from bank to bank and bank to bank or place to place, ठीक है। In this account, क्या in this account bank pay interest on the amount deposited by the person. समझ में आ गया इतना, नोट कर लीजिए, हो गया सबका? चलो ये तो हो गया सेविंग बैंक अकाउंट। इसमें क्या करते हैं, इट इज अ बैंक अकाउंट विच कैन बी ओपन बाय द पर्सन। सेविंग अकाउंट चालू खाता, मतलब जाओ 100 रुपये डाले आओ, जाओ 100-200 रुपये डाले आओ, 50 रुपये 50 रुपये नहीं डालते, 100-200-300-500 रुपये डाल के आ जाओ, मतलब ऐसे ऐसा अकाउंट, मतलब और निकाल भी सकते, 100 रुपये मतलब 100 रुपये निकाल के आ जाओ। इन बैंक अकाउंट से आपका एटीएम कनेक्टेड रहता है, एटीएम, नेट बैंकिंग, ठीक है, एटीएम, नेट बैंकिंग, आपका डेबिट कार्ड, ठीक है, आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड,
क्रेडिट कार्ड बनता है ना, इन सब बैंकों से अटैचेड रहता है, इस सेविंग अकाउंट से अटैचेड रहता है। समझ में आ गया ना? ये तो समझ में आया सबको? ठीक है, इन सब चीजों से अटैचेड रहता है। मिनिमम बैलेंस, ठीक है ना, वरी फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड प्लेस टू प्लेस, मतलब एक बैंक में कुछ मिल रहा होगा, दूसरे बैंक में कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, एक बैंक में कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, दूसरे बैंक में कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, इसलिए चेंज होते रहते हैं बैलेंस, ठीक है ना। बैंक टू बैंक, प्लेस टू प्लेस, दिस अकाउंट बैंक में पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिट बाय द पर्सन, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, दिस अकाउंट क्या करता है, इंटरेस्ट भी देता है जो आपने पर्सन ने पैसा जमा किया है, ठीक है, समझ में आ गई। इस एक बार ध्यान रखना, इस अकाउंट से आपका रिलेटेड होता है क्या, आपका एटीएम कनेक्टेड रहता है, आपका नेट बैंकिंग रहता है, आपके पापा का एटीएम कार्ड, आपके पापा का नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, रुपये, ऐसे टाइप के कार्ड होते हैं ना, टाइप्स ऑफ कार्ड, ये सब कनेक्टेड रहते हैं बेटा इस चीज से, ठीक है ना, ये बात ध्यान। समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके बेटा।